यस 11th ए के सभी छात्र, मैंने जहाँ तक पढ़ाया था उसके आगे मैं पढ़ा रहा हूँ। मैंने ये वाला ही थ्योरी आपको स्टार्ट की थी। विमाएं, देखिए मैं फिर से इसको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। तो देखिए मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, भौतिक राशियों को मूल राशियों लंबाई L, द्रव्यमान M तथा समय T। वैसे तो आपके पास धारा भी होता है, तापमान भी होता है, लेकिन बेसिक अपन अभी इन तीन राशियों के टर्म में डिफाइन कर रहे हैं, तथा समय T के रूप में दर्शाने पर जो उनकी घात आती है, घात आती है, वह है विमाएं कहलाती है। तो हम क्या करते हैं, किसी भौतिक राशि को एम एल और टी के समय में दर्शाते हैं और इनकी जो घात आती है वो विमाएं कहलाते हैं। जैसे अभी मैं आपको बता रहा हूं, बल बल को मैं ऐसा दर्शाता हूं, एम एल टी पावर -2। इसका मतलब है एम की घात एक है, एल की घात एक है, टी की पावर -2 है, तो ये इसकी विमाएं है। चलिए इनको निकालना बताता हूं मैं। इनको निकालने के लिए हमारे साथ क्या है, स्टार्टिंग में फिजिक्स में हमारे साथ कुछ बाउंडेशन होते हैं। इसमें ये बाउंडेशन होता है कि अगर हम विमाएं निकालते हैं तो हमें आगे अप टू 12th क्लास तक के फॉर्मूले मालूम होना चाहिए। तो उसके लिए क्या है, आपको प्रैक्टिस के लिए आपकी पाठ्य पुस्तक निगम में एक पीछे टेबल दी गई है, उस टेबल में सारे फॉर्मूले लिखे हुए हैं, उन फॉर्मूले के थ्रू ही आप निकाल सकते हैं। मैं यहाँ पर कुछ का निकालने का तरीका बता रहा हूँ। तो देखिए मैंने यहाँ पर ये ले लिया क्रमांक ये हो गया, ये देखिए देखिए मैं यहां पर लिख रहा हूं क्रमांक, भौतिक राशि, सूत्र, विमीय सूत्र इकाई। ठीक, नंबर वन, जैसे मैंने क्या लिखा, क्षेत्रफल, भौतिक राशि हो गई, इसका सूत्र क्या है, लंबाई गुणित चौड़ाई। लंबाई को काय से शो कर सकते हैं हम, एल से। चौड़ाई को काय से शो करते हैं, एल से। ये कितने के इक्वल हो गया, एल स्क्वायर। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, एम पावर 0, एम है नहीं, जो नहीं रहेगा उसकी पावर 0, एल होल स्क्वायर, टी पावर 0, ये इसका विमीय सूत्र हो। ठीक, इसकी इकाई लिखना है तो केवल एल है, तो ये कैसा आ जाएगा, मीटर होल स्क्वायर।
ठीक है। दूसरा आयतन, ये कितने के इक्वल होती है? लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई। आफ्टर ऑल लंबाई भी कितने के इक्वल है? एल के इक्वल। चौड़ाई भी कितने के इक्वल है? एल के इक्वल। ऊंचाई भी कितने के इक्वल है? एल के इक्वल। ये पूरी क्वांटिटी कितने के इक्वल हो गई? एल क्यू। इसका बिंबी सूत्र में कैसे लिखूंगा? एम है नहीं, एम पावर जीरो, एल पावर थ्री, टी है नहीं, टी पर देखो एम यहाँ पर है नहीं, एल है। एल की यूनिट कितने के इक्वल होती है? मीटर। मीटर की घात यहाँ पर कितनी है? तीन। दिया जाएगा टाइम यहाँ पर है नहीं, ठीक है। नंबर थर्ड देखिए आप, टिक वेग, नाइन्थ क्लास में आपने पढ़ा होगा, वेग बराबर क्या होता है? विस्थापन बटे समय अंतराल। विस्थापन क्या मतलब क्या हो गया? दूरी, दूरी यानी एल, समय टी। इसको मैं क्या लिख सकता हूं? एल टी पावर माइनस वन। यहां पर टी की पावर कितनी है? वन। ऊपर जाएगा माइनस वन, तो इनका विमी सूत्र कितने के इक्वल हो जाएगा? एम पावर जीरो, एल टी पावर माइनस वन, ये आ जाएगा। इसको मैं क्या लिख सकता हूं? मीटर प्रति सेकेंड। देखिए इसका दूरी का यूनिट कितना हो गया? मीटर, या विस्थापन का कितना हो गया? मीटर। समय का कितना हो गया? सेकेंड। तो मीटर प्रति सेकेंड हो गया। इनको पॉज करके नोट करते जाइएगा। देखिए नंबर फोर्थ, देखिए मेरे पास है त्वरण, त्वरण बराबर क्या होता है? वेग में परिवर्तन बटे समय अंतराल। वेग में परिवर्तन, परिवर्तन अंतराल, इसका मतलब कोई नहीं रहता है, क्योंकि आपके पास इकाई और विमाएं फिजिक्स का सेमी मैथमेटिकल पार्ट है। ये कैसा हो गया? वेग यानी वी, वी यानी आपके पास कैसा हो गया? अभी मैंने आपको निकाला एल टी पावर माइनस वन। समय अंतराल यानी टी, तो इसको हम कैपिटल टी से शो कर देते हैं। ये कितने के इक्वल हो जाएगा? एल टी पावर माइनस टू, और इसको कर लीजिए एम पावर जीरो, एल टी पावर माइनस वन, ये निकल आता है, ठीक। अगर आप इसका यूनिट निकालना चाहें तो ये कैसा हो जाएगा आपके पास? इस ये खत्म, ये हो जाएगा पावर माइनस टू आएगा, ठीक है। इसको हम क्या लिखेंगे? टी पावर माइनस, इसका यूनिट मेरे पास कितना आ जाएगा? मीटर सेकेंड पावर माइनस टू के, ये रिजल्ट आ जाएगा। नंबर फिफ्थ, बल, ये कितने के इक्वल होता है? मात्रा गुणित त्वरण। मात्रा और द्रव्यमान एक ही चीज होते हैं, ठीक है। तो मात्रा और त्वरण एक ही होते हैं, इसलिए हम क्या कर लें? मात्रा को द्रव्यमान एम से शो कर सकते हैं, ठीक है। त्वरण
अब भी मैंने निकाला एल टी पावर माइनस टू, तो ये आपके पास कहानी यहां पर आ गई इसकी। ठीक, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, एम, एम का अगर विमी सूत्र निकालना है ये, तो ये कितने के इक्वल होता है किलोग्राम, एल कितने के इक्वल होता है मीटर, टाइम कितने के इक्वल होता है सेकंड पावर माइनस टू, तो किलोग्राम मीटर सेकंड पावर माइनस टू के इक्वल हो जाएगा। नंबर सिक्स देखिए, कार्य, कार्य बराबर बल गुणित विस्थापन, बल, बल का विमी सूत्र मैंने अभी कितना निकला एम एल टी पावर माइनस टू, विस्थापन कितने के इक्वल हो गया एल, सॉल्व करिए एम एल स्क्वायर टी पावर माइनस टू, ये रिजल्ट निकल आएगा। ठीक, तो अगर मैं यहां से इसको लेकर चलता हूं तो इसका यूनिट कितना आ जाएगा किलोग्राम, एल का मीटर स्क्वायर, टी का सेकेंड पावर माइनस। ठीक है, इसको आप नोट करिएगा और पॉज करके अच्छे से नोट करिए, करने का तरीका देखो। देखिए मैं कुछ क्यों और बता देता हूं, जैसे संवेग, नंबर आप डाल दीजिएगा जो भी आ रहा है, मात्रा गुणित वेग, मात्रा यानी एम, वेग का वही आप निकाल चुके हैं एल टी पावर माइनस वन, ये आपके पास कैसा आ जाएगा। ठीक, अगर मैं इसको निकालूं तो इसका विमी सूत्र कितना जाएगा किलोग्राम मीटर सेकेंड पावर माइनस। ठीक है, दूसरा आप वो तो देखिए इसी में कौन, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। अब अगर हम कोण की बात करते हैं तो ये हो जाता चाप, ये हो गया त्रिज्या, ये कोण हो जाता थीटा, तो आफ्टर ऑल आपके पास चाप भी तो दूरी है, त्रिज्या भी दूरी के इक्वल है, तो ये हो गया एल अपॉन एल, ये मेरे पास कैसा हो जाएगा, यहां पर एल और एल कैंसिल, तो एम पावर जीरो एल पावर जीरो टी पावर जीरो के इक्वल हो गया। ठीक है, जब किसी भी भौतिक राशि की सभी घात या विमाएं जीरो जीरो के इक्वल होती हैं तो उनको हम विमाहीन राशि बोलते हैं, और विमाहीन राशि की कोई यूनिट नहीं होती। लेकिन आप देखो, मैं एक विमाहीन राशि का एग्जांपल और लेके चलता हूं, विकृति, विकृति बराबर होता है विमाओं में परिवर्तन बटे प्रारंभिक विमा। लेकिन यहां पर अभी इतना समना बना के एक मैं एग्जांपल लेके चलता हूं, जैसे लंबाई में परिवर्तन बटे प्रारंभिक लंबाई, ये आ गया, ये कितने के इक्वल हो गया एल अपॉन एल। ठीक, एल अपॉन एल कैंसिल हो गया और ये कट के कितना जाएगा एम पावर जीरो एल पावर जीरो टी पावर जीरो, तो ये विकृति मेरे पास एक विमाहीन राशि है, विमाहीन राशि, इसकी कोई यूनिट नहीं होती है, नो यूनिट। ठीक है, इसकी यूनिट कैसी होती है, कोई भी नहीं होती है। लेकिन कोण एक ऐसी उत्तर राशि है जिसकी एक यूनिट होती है। ठीक है, अब आप क्या करिएगा, बुक की हेल्प से या आपके पास जो पाठ्य पुस्तक निगम की बुक है, ठीक, उसके बेस पे कुछ राशियों के मैं नाम लिख दे रहा हूं, इनके विमी सूत्र निकाल के देखोगे, या मैं पीडीएफ फाइल भेज रहा हूं उसके थ्रू आप निकाल के देखोगे और सॉल्व करोगे।
ठीक है। तो ये क्वेश्चन में आप देखिए ऊर्जा, दूसरा दाब, तीसरा प्रतिबल, ठीक, इनके विमीय सूत्र एवं इकाई निकाल के हमें बताओ, ठीक है। ये आपका होमवर्क है, ठीक है। तो सारे छात्र इसको नोट कर लीजिए।